You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साथ में स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग ईएमटी में आज मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन हमने स्टैटिक फील्ड के लिए निकाली थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वही चार इक्वेशन अब हम टाइम वेरिंग फील्ड के लिए देखते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन जो हमने निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की, वो आपको याद होगा कि हमने गॉस लॉ से निकाली थी, जिसमें डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज होता है, और यहाँ रो वी डी वी दैट मीन्स सिंगल वेरिएबल वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन है दैट मीन्स डी वी की जगह हम लोग डी एक्स डी वाई डी जेड लिखने वाले हैं, तो ट्रिपल तो ये भी सही है, ये भी सही है। सिंपली डी की जगह एप्सिलॉन ही रख के ये कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ जब डी वी का डिवाइड करते हैं तो ये डाइवर्जेंस और ये दूसरी वाली इक्वेशन डाइवर्जेंस में आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन हमने जो निकाली हुई थी, वो सेकेंड इक्वेशन हमने निकाली थी पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखी थी, हमें पता था कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, तो V इज सॉरी दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल। यहां से V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल, और यहां पे हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल, जो V इज इक्वल टू आ गया माइनस E डॉट डी एल, ये किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। अब अगर हम उसी पॉइंट का पोटेंशियल उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो हमें क्लोज लूप इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिससे उसी पॉइंट से स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पर पहुंच जाए। तो जब हम क्लोज लूप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देन दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, इसलिए ये ई डॉट डी एल की वैल्यू से क्या हो जाती है, जीरो। तो सेम पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं तो जीरो होता है, वही हमारी सेकेंड इक्वेशन है मैक्सवेल की। इसी में अगर सरफेस एरिया का डिवाइड करेंगे तो ये कर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ल इज इक्वल टू जीरो। जब भी किसी का कर्ल जीरो होता है तो वो इरोटेशनल फील्ड कहलाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि कर्ल जीरो होता है, इसलिए इसे इरोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। थर्ड, ये सेकंड इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की। थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की निकलती है एम्पियर सर्किटल लॉ से, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज, अगेन जे डॉट डी एस हो जाएगा आई इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रेशन मतलब डी एस के रिस्पेक्ट में, डबल इंटीग्रेशन मतलब इसे टू डायमेंशनल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि डी एक्स डी वाई। एच की जगह बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, बी इज इक्वल टू म्यू एच, तो एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू। ये सारे हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, जब हम कन्वर्ट करेंगे टाइम वेरिंग में तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहां से ये दो इक्वेशन आती है, एक कर्ल की और दूसरी वाली कर्ल की इक्वेशन। तो ये थर्ड इक्वेशन आती है एम्पियर सर्किटल लॉ से। फोर्थ इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो हमें पता है कि बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, तो हम बोल सकते हैं कि फाई अपॉन एस डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू बी, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन। अब अगर हम बात करें, ये बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन है एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, अगर हम सरफेस को क्लोज कर दें तो जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स निकल जाएगा, जितनी मैग्नेटिक लाइन्स आएंगी उतनी ही मैग्नेटिक लाइन्स उस क्लोज सरफेस से निकल जाएंगे। जैसे एक कमरा है, उस कमरे से होके कमरे की किसी भी दीवार से जितनी लाइंस आएंगी तो वो किसी दूसरी या उसी दीवार से होके निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस की जैसी नहीं होती हैं कि पॉजिटिव से निकले और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाए। तो अगर कमरे के अंदर नेगेटिव रखा है, कमरे के बाहर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से फ्लक्स आएगा या लाइंस आएंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, दैट मीन सिर्फ इनकमिंग लाइंस दिखेंगी, कमरे से बाहर जाती हुई लाइंस हमें दिखाई नहीं देंगी। ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि जितनी लाइंस आएंगी उतनी ही लाइंस निकल जाएंगी, तो जितना फ्लक्स इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग। तो अगर हम क्लोज सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। तो जब भी क्लोज लूप इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता है, यही है हमारा मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ये स्टैटिक फील्ड के लिए ये चार इक्वेशन हमने बनाई हुई थी। अब हम बोलते हैं कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा। देखिए, जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फर्स्ट इक्वेशन रिमेन सेम, मतलब जो ये जितनी इक्वेशन लिखी है ये इंटीग्रल फॉर्म में, ये डिफरेंशियल फॉर्म में, ये सारी की सारी फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल की, जो गॉस लॉ की सहायता से आई थी वो वही की वही रहेंगी। लेकिन सेकंड इक्वेशन में इम्प्रोवाइजेशन होगा। क्या इम्प्रोवाइजेशन होगा? कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, अब आप देखिएगा फैराडे के दो लॉ होते हैं, एक लॉ ये कहता है कि जब भी किसी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर मूव करे, जब भी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर मूव करे तो उससे लिंकेज फ्लक्स कट होंगे, दैट मींस उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर वायर अगर रुका हुआ है स्टैटिक है और फ्लक्स फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है तो भी उस वायर से लिंकेज फ्लक्स वेरी करेगा, तब भी उसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अगर वायर भी मूव कर रहा है और फील्ड भी वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तब भी ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब ध्यान रखना कि वायर
और फील्ड के इंटेंसिटी में या डेंसिटी में अगर रिलेटिव मोशन होता है, चाहे तो फील्ड वेरी करे और वायर स्टेशनरी हो, या वायर मूव करे और फील्ड स्टेशनरी हो, या दोनों वायर भी मूव करे और फील्ड भी वेरी करे टाइम के साथ, तो ऐसे केस में वायर के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है, और उस ईएमएफ की वैल्यू इज इक्वल टू होती है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी होती है। और माइनस साइन क्यों आया, ये लेंज लॉ बताता है। लेंज लॉ क्या कहता है कि जनरेटेड ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो जनरेट हुआ है। मतलब अगर फ्लक्स के बढ़ने से जनरेट हुआ है तो वो चाहेगा कि फ्लक्स कम हो जाए, और फ्लक्स के कम होने से अगर जनरेट हुआ है तो वो चाहेगा कि फ्लक्स बढ़ जाए, तो वो अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है माइनस साइन। तो ये लेंज लॉ के कारण है। तो आप देखिए कि अगर फ्लक्स इज इक्वल टू, हमें पता है कि B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, तो फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डॉट ds। अगर क्लोज लूप इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो, लेकिन हम क्लोज लूप की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सरफेस के अक्रॉस हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फाइ इज इक्वल टू B डॉट ds। अगर ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो डी फाइ बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी dv बाई डी टी ds। ds तो कॉन्स्टेंट है सर्फेस, तो B के रिस्पेक्ट में टाइम को डिफरेंशिएट कर, B को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये d5 by dt की वैल्यू आ गई, तो emf में पुट कर दीजिए, तो ये आ गया emf जनरेटेड। अब मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन एक्चुअली थी क्या, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या बता रहा था, उसी पॉइंट का उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल। ये क्या था, उसी पॉइंट का उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल था जो कि जीरो था, लेकिन अब चूंकि ईएमएफ, ईएमएफ क्या है, एक टाइप का पोटेंशियल ही है, दैट मींस ईएमएफ जनरेट हो गया है, तो अब ई डॉट डीएल की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। यहाँ ds अगर नीचे आ जाएगा तो E dot dl upon ds स्टोक्स थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, कर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv by dt। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, मतलब सेकंड इक्वेशन में इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन रिमेन्स सेम। तो सेकंड इक्वेशन ये हो गई डेरिवेटिव फॉर्म में, और ये हो गई सेकंड इक्वेशन इंटीग्रेशन फॉर्म में। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन हमें पता है एम्पियर सर्किटल लॉ से आई थी। यहाँ पे देखिएगा जिस तरीके से phi is equal to B dot ds होता है, मतलब flux is equal to flux density का surface integration, close loop कर देते तो zero आ जाता, लेकिन simple integration किया, उसी तरीके से D dot ds भी हमारा क्या होता है, zero होता है, sorry D dot ds is equal to Q होता है। क्यों, क्योंकि ये charge density है, जो magnet electric flux density होती है वही electric charge density भी कहलाती है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी का मतलब यहाँ पे फ्लक्स किसको बोलते हैं, चार्ज को ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा D डॉट ds का इंटीग्रेशन। यहाँ पे अब आप देखिए, अगर हम इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो dQ by dt की वैल्यू ये आ जाएगी, टाइम के साथ ये डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारा कैपिटल D। तो यहां से dQ by dt की ये वैल्यू आ गई, और यही dQ by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट कहलाता है। अब आप देखिए, आपकी थर्ड इक्वेशन जो थी एम्पियर सर्किटल लॉ की, जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से निकली थी, जो क्या कहता था कि h dot dl is equal to I enclosed। अब डबल करंट हो जाएगी, एक तो I enclosed और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जनरेटेड करंट I। तो ये I और ये I जब जोड़ेंगे तो ये I enclosed is equal to होता है j dot ds, और ये वाली I है ये, यहां से ds कॉमन लेके नीचे करेंगे तो ये कर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रिक, सॉरी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो गई, और ये ऊपर वाली जो है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। तो ये इंप्रोवाइजेशन हुआ है थर्ड इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन रिमेन सेम। तो ध्यान रखना कि जब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन सेकंड और थर्ड में इम्प्रोवाइजेशन होता है, चेंज होता है। और एक और चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टाइम के साथ वेरी होने वाली जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसके लिए चार मैक्सवेल की इक्वेशन हो गई, और ये चार एक मैक्सवेल की इक्वेशन थी स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ध्यान रखना फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन सेम रहती है टाइम के साथ वेरी होने में, लेकिन सेकंड और थर्ड इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन होगी, जिनका आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ईएम वेव जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, बाकी लोग भी इसे फायदा उठा सके। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट पर वीडियोस की प्लेस की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक पर वीडियोस की प्लेस की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट करके यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।